इधर उधर जिनका कोई नहीं है, जो उनका अपना घर आश्रम है सर जी। हाँ, जिनके मतलब जो कोई सहारा नहीं है जी। एड्रेस बताओ आश्रम का यहाँ का, ताकि लोग सुनेंगे ना, वीडियो देखेंगे तो उनको पता चले। ये अपना घर आश्रम कोकला वन है, कोकला वन का जो मेन शनि जी महाराज का मंदिर है। हाँ जी, उसके प्रांगण में ही साइड में ये है, सूरज कुंड के सामने सर, सूरज कुंड के सामने ये आश्रम है। तो आपके यहाँ आश्रम में कितने लोग रहते हैं अभी सर? इसमें 120 लोग हैं जी। 120 लोग लगभग यहाँ पर अभी हैं। हाँ, फिलहाल जो, और क्योंकि सर्दी का मौसम है और छाया की और उसकी जरूरत है। हाँ, तो सारी व्यवस्था संस्था अपनी करती है। हाँ, है ना, खाने से और अपना बिस्तर रहना सारी सुविधाएं संस्था। हाँ, देती है जी सर। तो अगर लोग यहाँ संपर्क करना चाहें तो कोई फोन नंबर ऐसा हो संस्था का कोई? हाँ जी सर, हाँ तो बहुत बताओ, बताइए सर, बता दो संस्था कितना धर्म का काम लोग लगे हुए हैं, और खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी है, आप लोग सब ठीक रह रहे हैं यहाँ पर, सारी सुविधा हैं, आप लोग सब ठीक हैं यहाँ पर, ठीक से रह रहे हैं आप लोग, आप ठीक हैं, अच्छे हो, अच्छा लगता है, सारे मिलकर के रहते हैं, बहुत अच्छा। देखो कितने खुश हैं लोग, और इन्होंने बताया कि हम लोग सब यहाँ पर अच्छे परिवार की तरह रहते हैं और अच्छी यहाँ पर देख रेख होती है, और ये सारे लोग हैं जो इधर ही इस परिवार के सदस्य के रूप में यहाँ पर रहते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और इन भाइयों से बात हुई है। तो आप लोगों से भी प्रार्थना है, जब भी आप लोग कोकला बनाएं तो यहाँ पर ये जो साक्षात ईश्वर के रूप में ये बुज़ुर्ग रहते हैं, तो इनके भी दर्शन करें और देखें आप जो फिर कितना किस तरह से आप लोग जो पुण्य है, जो धर्म है, उसकी तरफ जो है मिलता है। और ये आश्रम का एड्रेस है, पता है, अगर कोई भाई संपर्क करना चाहे या फ़ोन से भी कुछ सहायता राशि अगर ट्रांसफ़र करना चाहे तो आप लोग डायरेक्ट भी वहाँ से ये अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये भी देखें आप, ये एड्रेस पता है, तो अगर आने में संभव नहीं है तो वहाँ से भी आप लोग ये सहायता कर सकते हैं। और मैं आपको आश्रम में सारी व्यवस्था दिखाता हूँ, आप लोग देखें तो बहुत अच्छा है, और ये होना भी चाहिए, ये होना भी चाहिए। तो देखते हैं थोड़ा सा बिस्तर वगैरह की व्यवस्था देखते हैं। ये संस्था का कार्यालय है, यहाँ पर रेगुलर इन्होंने अपने बंदे रखे हुए हैं संस्था ने, जो दिन रात 24 घंटे यहाँ सेवा में रहते हैं। और यहाँ आप देखें बिस्तर हैं सभी के लिए, गर्म कपड़े हैं, बिस्तर हैं, और बहुत अच्छी व्यवस्था है। और आप देखें कि मेडिसिन का भी है, और मेडिसिन के लिए अलग है अपना प्रबंध है, फर्स्ट एड वगैरह या ज़्यादा है, और बाहर एम्बुलेंस भी खड़ी है, और ये लोग पूरी तरह से इस काम में लगे हुए हैं, संस्था के काम में लगे हुए हैं। और मैं भी परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इन लोगों की संस्था बहुत अच्छी चले, और मानव जाति का जो कल्याण है, मानव जाति के लिए जो सेवा में लगे हुए हैं, ये बड़ी कितनी अच्छी बात है, इससे बड़ा कोई परमार्थ हो नहीं सकता कि मानव जाति के लिए जो लोग लगे हुए हैं। तो जो भी लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, अपने पलवल ज़िले से, फरीदाबाद ज़िले से, देहली के इलाकों से, वो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, और अपना जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी हेल्प आप दे सकते हैं पर महीने, जो बच्चे नए बच्चे सर्विस में आए हैं वो मंथली अपनी सैलरी में से 2% 4% ये अकाउंट है, वहीं से बैठे हुए आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इस तरह से आप लोग सहायता कर सकते हैं। और ये देखो एम्बुलेंस है, अगर कहीं कोई बुज़ुर्ग को, किसी के सदस्य को कोई प्रॉब्लम है तो आगे भी एम्बुलेंस से हेल्प जो है बड़े हॉस्पिटल में कर सकते हैं। तो जी जी जी, क्या कह रहे हैं आप, बताएं थोड़ा, तो बताएं। हाँ, ये कह रहा है आप पूरे भारत में अपने घर आश्रम से कहीं पर भी ऑनलाइन भी सर्च मार सकते हैं, वहाँ से नंबर ले सकते हैं, एरिया से, लोकल एरिया से, जहाँ जितनी जल्दी नज़दीकी एम्बुलेंस होगी वहाँ से आप उन प्रभु जी को ले जाएगी। तो कहाँ कहाँ पर अपने आश्रम है थोड़ा बताएं सर? आश्रम भोपाल में भी है जी, और जयपुर में है जी, बॉम्बे में है जी, हाँ, तो दिल्ली साइड में भी है, दिल्ली में है, दिल्ली में है, और एक बनने वाला है। अच्छा जी, महिला प्रभु भी का है दिल्ली में है। अच्छा जी, अच्छा, और उसके अलावा और हम जो खड़े हैं ये है अपना कोकला वन के अंदर, हम जहाँ खड़े हैं वहाँ कोकला वन है जी, और नोएडा में भी खुला हुआ है जी, वृंदावन में ले लो, मथुरा में ले लीजिए जी, नेपाल
में भी है अपना। अच्छा जी, अच्छा, अच्छा। और भरतपुर में इसका हेड ऑफिस है जी। वहाँ तो ये संस्था जो संस्था मैनेज करती है, वो कितने दिन से संस्था इस कार्य में लगी हुई है, मानव सेवा में? मानव सेवा में तो काफी टाइम हो गया ना, 40-50 साल से। 40-50 साल से सेवा में लगी, और शायद ज्यादा भी हो गई होंगी जी। जी जी। बीएम भारद्वाज जी ने सबसे पहले स्टार्टिंग की थी जी, जो अपने घर से स्टार्टिंग किया था जी सेवा में। उन्होंने अपने खुद के बच्चे भी नहीं करे हैं इसी पर्पज से। अच्छा अच्छा अच्छा। वो केवल इसी सेवा में लगे हुए हैं। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। विरक्त भाव से रहे हैं, मतलब वो ज्यादा उसमें सांसारिक उसमें नहीं फंसे? नहीं, सांसारिक में नहीं फंसे। शादी वगैरह भी हुई है, पर लेकिन जी जी वो केवल इसी सेवा में है, इसी सेवा में रहते हैं। तो ये देखा आपने, देखो कितना अच्छा लगा है, लोग इस धरा पर कैसे कैसे धर्मात्मा रहते हैं, जो इस तरह से निस्वार्थ भाव से और लोगों की सेवा करते हैं। तो आप लोगों को अच्छा लगता है इधर? सब ठीक है? घर जाओ। अच्छा है? घर जाओ। हैं? घर जाओ। घर जाना है? बेंगलुरु। अच्छा अच्छा, चलो घर भिजवाएंगे आपको। हैं? अभी हाँ, अभी आप यहीं रहे, मिल करके बहुत अच्छा लगा, ठीक है, और मिलते रहेंगे। और ये पांडव सेना स्वाभिमान मंच नाम से एक YouTube चैनल है, उस पर ये आज की वीडियो हम लोड करेंगे, आप लोग भी उसको सब्सक्राइब करके देख लेना, और फिर डिस्क्रिप्शन में आप देखना लोगों के कमेंट आएंगे और आप लोगों से संपर्क करेंगे, ठीक है। पांडव सेना स्वाभिमान मंच नाम से YouTube पर एक चैनल है, आप करेंगे तो ये अभी आध घंटे में ये वीडियो उस पर लोड हो जाएगी। अभी आप सब्सक्राइब कर लें और उसको देखें, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके, और परमात्मा ने भेजा हमें भी, हमें नहीं पता था, हम तो किसी ने कहा भी उधर आप जाएं, तो हमें भी दर्शन हुए आप लोगों के, आप जैसे संतों के जो लगे हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।